विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम में मानसून सीजन समाप्त होते ही दूसरे चरण की यात्रा भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। विभिन्न प्रांतों से हर रोज हजारों तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। बताते चले कि बीते 31 जुलाई को अतिवृष्टि के कारण जगह जगह सड़क से लेकर पैदल यात्रा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया थे, जिस कारण यात्रा में भी रुकावट आई थी, मगर शासन प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए युद्ध स्तर पर यात्रा मार्ग पर निर्माण कार्य करवाया गया, जो कि अभी भी गतिमान है। वहीं दूसरे चरण की यात्रा धीरे धीरे तेजी पकड़ने लगी है। बीते 3 दिनों से धूप खिलते ही केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ने लगी है। इन 3 दिनों में कठिन पैदल रास्तों से सफर करते हुए 12,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने धाम पहुंचकर भोले बाबा के दर्शन किए। वहीं हेली सेवा के माध्यम से भी सैकड़ों यात्री धाम पहुंच रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार ने कहा कि हर दिन भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। यात्री काफी संख्या में केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और आज भी काफी यात्री केदारनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके कारण कि केदारनाथ धाम में उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौसम खराब होने के कारण और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के कारण शाम और सुबह अत्यधिक ठंड हो रही है। यात्रियों से अनुरोध है कि वह जब भी यात्रा पर आए तो अपने गर्म कपड़े अवश्य लेके आए। मैं केदारनाथ धाम यात्रा के लिए यहाँ आया और यहाँ आने के बाद कुछ फैमिली में हमारे थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हो गए, मेरे माता जी, मेरे भांजे का और इवन मेरा थोड़ा, पर आने के बाद यहाँ स्वामी विवेकानंद वेद में जो बहाए वहाँ आने के बाद है मेंटली और फिजिकली जो हम लोग स्ट्रेस जो था वो इतना फ्री हो गया, क्योंकि हर चीज़ का सर्विस, हर चीज़ का देखभाल बहुत फास्ट रहा। इसमें कोई ऐसा ये नहीं कि आदमी पहले आता है ना तो रुकने के हिसाब से ही डर जाता है, इतना टाइम ये टाइम, पर हर चीज़ का हम 3-4 जन का फैमिली मेंबर्स का हर चीज़ के लिए बहुत जल्दी से जल्दी हर चीज़ का कवर किया गया, बहुत अच्छी है। और सभी का जो कोऑपरेशन और सभी का यहाँ जो यहाँ सर्विस करते हैं, सभी का जो रिस्पॉन्स हर चीज़ के लिए वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री हर चीज़ को रहा।